नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के लिए अभी कुछ हफ्तों पहले ही खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा कि आईपीएल का अगला सीजन यानी 2021 का संस्करण कब से शुरू होगा। सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आईपीएल को बल्लेबाजों का भी टूर्नामेंट कहा जाता है। गेंदबाजों की तुलना बल्लेबाज आईपीएल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। अपने चौके छक्कों से बल्लेबाज अक्सर दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। एक सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है। विदेशी खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों ने भी आईपीएल में अपना खूब दम दिखाया है। साथ ही साथ कई भारतीय बल्लेबाज आईपीएल का ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं। आईपीएल के 13 सीजन में अभी तक 9 विदेशी तो वहीं 4 भारतीय ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको वही 4 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्रिकेट के भगवान का दर्जा पा चुके महान सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय बल्लेबाज है जो आईपीएल का ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं। साल 2010 के आईपीएल सीजन में सचिन तेंदुलकर ने 15 मैचों में कुल 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप हासिल की। उस सीजन उनका सर्वाधिक स्कोर 89 रहा था और स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर। सचिन तेंदुलकर के बाद ऑरेंज कैप हासिल करने वाले भारतीय बल्लेबाज थे रॉबिन उथप्पा। उथप्पा ने 2014 आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप हासिल किया था। उस सीजन 16 मैचों में उथप्पा के बल्ले से 660 रन निकले थे। अगला नाम है भारतीय कप्तान रन मशीन विराट कोहली का। विराट कोहली ने यह कारनामा आईपीएल 2016 में किया था। आरसीबी के कप्तान ने 2016 आईपीएल सीजन में 16 मुकाबलों में कुल 973 रन बनाए थे और उस सीजन उनके बल्ले से एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 शतक निकले थे। बता दें, एक सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कोहली के ही नाम है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल के बल्ले से सबसे ज्यादा रन निकले थे। 14 मैचों में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 670 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े थे। केएल राहुल का उच्च स्कोर नाबाद 132 रन रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।